नमस्कार, आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। तो सुबह की शुरुआत कर लेते हैं देश प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी टीम में 6 और लोगों को नियुक्त किया है, जिसमें मुख्यमंत्री ने पूरन चंद्र नैनवाल को मुख्य जनसंपर्क अधिकारी, किशोर चंद्र भट्ट को जनसंपर्क अधिकारी, रविंद्र सिंह को कोऑर्डिनेटर सामाजिक न्याय, दलवीर सिंह दानू को कोऑर्डिनेटर, राजू सिंह को मीडिया कोऑर्डिनेटर और आनंद मोहन रतूड़ी को स्वास्थ्य कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी है। आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के चेहरे कर्नल अजय कोठियाल ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में रोजगार देने के नाम पर बेरोजगारों से अवैध वसूली की जा रही है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का लालच दिया जा रहा है, इसके बदले उनसे अनुचित वसूली की जा रही है और बाद में उन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही। अजय कोठियाल ने इस धांधली को बंद करने की मांग की है। कोरोना वायरस टीकाकरण के मामले में भारत ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अब तक देश में 70 करोड़ टीके लग चुके हैं। पिछले कुछ दिनों में टीकाकरण की बढ़ी हुई रफ्तार की सराहना करते हुए मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज शिखर धवन का उनकी पत्नी आयशा मुखर्जी के साथ तलाक हो गया है। आयशा ने इसकी जानकारी अपने एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए दी। आपको बता दें कि 2012 में धवन और आयशा शादी के बंधन में बंधे थे और 2014 में इस दंपत्ति ने बेटे को जन्म दिया था। शादी के 9 साल बाद उनका ये फैसला काफी चौंकाने वाला है। हालांकि धवन का इस पर अभी कोई बयान सामने नहीं आया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के दिल्ली स्थित 12 जनपद के सरकारी आवास को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। एक ओर जहां चिराग पासवान ने बंगले में रामविलास पासवान की मूर्ति लगा दी है, तो अब आरजेडी ने पासवान के दिल्ली आवास को स्मारक बनाने की मांग की है। आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी रामविलास पासवान को अपमानित करने की कोशिश कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होगी। इस बैठक में गेहूं और अन्य फसलों पर एमएसपी बढ़ाने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। पीएम मोदी के आवास पर होने वाली इस बैठक में टेलीकॉम और टेक्सटाइल सेक्टर के लिए राहत पैकेज देने के लिए भी फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राष्ट्रीय पोषण माह 2021 की शुरुआत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार जल्द ही आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स का मानदेय बढ़ाने जा रही है। कांग्रेस ने अब साफ कर दिया है कि वो पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आगामी उपचुनाव में कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। इस सीट पर अभी तक बीजेपी ने भी अपना उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में हमले को अंजाम देने के लिए तैयार 3 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस ने जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स के एक मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया है। पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि गिरफ्तार संदिग्धों में से एक के पास से 2 पिस्तौल, 4 मैगजीन और 4 ग्रेनेड समेत भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। 7 सितंबर को तालिबान द्वारा कार्यवाहक सरकार बनाने की घोषणा करने के बाद पूर्व विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान में बनी नई सरकार के साथ काम नहीं करना चाहिए। सिन्हा ने इस बयान से कुछ हफ्ते पहले पीटीआई भाषा को दिए साक्षात्कार में कहा था कि भारत को तालिबान के साथ खुले दिमाग से पेश आना चाहिए। तो फिलहाल आज के इन मुख्य खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।